नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फाफा मऊ पुल के नज़ारे, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पुल के भी नाम से जाना जाता है। और इस समय मैं बस में बैठकर यह नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, और जो कि मैं प्रयागराज से फाफा मऊ के लिए चल रहा हूँ। तो इस समय हम लोग फाफा मऊ पुल पर चढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और इस समय बरसात का भी समय है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे जितने भी दाहिने और बाएं साइड में पेड़ हैं, पूरे आपको देख रहे होंगे जो कि हरियाली नुमा है। और आप दाहिने ही साइड में आप देख रहे होंगे जो कि यह भी एक फाफा मऊ का ही पुल था, जो कि वर्तमान समय में इसे बंद कर दिया गया है, जो कि ऊपर से वाहन गुजरते थे और नीचे से रेल। तो दोस्तों, यह है फाफा मऊ पुल का नज़ारा। और इस पुल को 1988 में बनाया गया था। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो कि दाहिने साइड में जो इस समय फाफा मऊ का पुल जो इस समय बंद है, उसी के आगे ही आप दाहिने साइड में देखेंगे कि जो कि एक रेलवे ट्रैक भी है। और यह जो ब्रिज है, यह प्रयागराज और लखनऊ को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और यह ब्रिज गंगा नदी पर बनाया गया है, और जो कि यह सीधा रास्ता आपका प्रयागराज, यानी जो कि इसमें हम लोग चल रहे हैं, पीछे आपका प्रयागराज पड़ जाएगा। और यह जो सीधा रास्ता है फाफा मऊ होते हुए आपका लखनऊ, जौनपुर, कुंडा, प्रतापगढ़ के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर कभी भी आप इस पुल से गुजरे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको वाराणसी जाना है तो इसके लिए आपको जिधर से मैं आया हूँ, आपको उधर से ही, यानी प्रयागराज होते हुए जो कि सिविल लाइन से ही आपको बस मिलेंगे, वहाँ से आप वाराणसी के लिए चले जाएंगे। जो कि ये जो रूट आप देख रहे हैं, जिस रूट से हम लोग चल रहे हैं, ये वाराणसी के लिए नहीं जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी से प्रयागराज लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, जैसे ही आप ढलान से जब उतरने लगेंगे फाफा मऊ ब्रिज से, तो आप देखेंगे दाहिने और बाएं साइड में आपको सब्जी और फल बिकते हुए भी नज़र आएंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और कुछ लोग जो कि मास्क भी बेचते हुए आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, मैं ऐसे ही भी वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, आप दाहिने साइड में जो देख रहे हैं, यही आपका जो पुराना वाला जो फाफा मऊ का ब्रिज है, ये यही पर आता है। लेकिन आप देख रहे होंगे जो कि वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसी प्रयागराज में एक काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि फाफा मऊ पुल का निर्माण, यानी इस पुल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी पर हो रहा है। और यह पुल लगभग 9.5 किलोमीटर से भी लंबा बनाया जा रहा है, जो कि यह प्रयागराज का काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है।
दोस्तों, मैं फाफामऊ ब्रिज पार करने के बाद आ गया हूँ फाफामऊ, और सामने ही आप देख रहे होंगे जो कि एक हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है और उस पर भी पूरा डिटेल में लिखा हुआ है लखनऊ मार्ग, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, जो कि जौनपुर लखनऊ कुंडा यह रोड चला जाता है। तो ये है फाफामऊ का, जो कि आप देख रहे होंगे, जो कि एक छोटा सा मार्केट भी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।